वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बात करें दोस्तों Xiaomi का न्यू सीरीज Xiaomi 12 सीरीज के बारे में। इस सीरीज में दोस्तों हर एक वीडियो में, बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे, हर एक वीडियो में दोस्तों प्लस प्लस बताया गया है, बट इसका कमियों के बारे में कोई नहीं बोला। आज इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे। स्मार्टफोन दोस्तों बहुत सारे प्लस वर्जन भी है, बट प्लस वर्जन के साथ साथ इस स्मार्टफोन में कुछ दोस्तों नेगेटिव चीज भी है, मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। और स्मार्टफोन भाई और क्या क्या है स्मार्टफोन में, सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, बहुत मजा आएगा। अगर आप सोच रहे दोस्तों स्मार्टफोन लेंगे, तो अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सबसे पहले दोस्तों स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन सीरीज है, और इस स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च हुआ, इंडिया में एंड ऑफ जनवरी या दोस्तों फर्स्ट ऑफ फरवरी में आ सकता है, ठीक है। इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, Xiaomi 12X, 12 एंड दोस्तों 12 प्रो, ठीक है। और आज बात करेंगे 12 प्रो के बारे में, विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। इस सीरीज में हर एक चीज प्लस वर्जन देकर रखा है। डिस्प्ले भाई साहब, डिस्प्ले लाजवाब एंड लुक नेक्स्ट लेवल है। मतलब हर कोई स्मार्टफोन को टक्कर दे सकता है डिस्प्ले और लुक से। आईफोन को भी टक्कर दे सकता है भाई साहब डिस्प्ले से, बताया जा रहा है, ठीक है। और इस स्मार्टफोन डिस्प्ले लॉन्च होने से पहले कंपनी A+ ग्रेड देकर रखता है। मतलब ग्रेड देते हैं भाई, कौन कैसा डिस्प्ले है, मतलब उसके ऊपर से ग्रेड देता है ना, A+ ग्रेड देकर रखा है। तो आप सोच सकते हो भाई साहब कितना बढ़िया डिस्प्ले है। और डिस्प्ले आपको मिलता है दोस्तों 6.73 इंच का कप डिस्प्ले, E4 AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो भाई सैमसंग का नया जो डिस्प्ले है वो आपको देखने को मिलता है। सो डिस्प्ले में काफी एक प्लस वर्जन देखने को मिलता है। सो अगर बात करें स्मार्टफोन में रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का दोस्तों रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, और एक बड़ी टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन में देखने को मिलता है दोस्तों, इंटेलिजेंट डायनामिक रिफ्रेश रेट। जो आपका जो स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो उसके हिसाब से रिफ्रेश रेट ज्यादा कम होते रहेगा ऑटोमेटिकली। जहां पे अगर स्मार्टफोन का बैटरी कम है या ज्यादा भी है तो बैटरी को सेव करेगा, ये बहुत ही बढ़िया एक चीज है। तो यहाँ पे भाई ग्रेट एंड ग्रेट देखने को मिलता है, ठीक है। Once more! और इस स्मार्टफोन दोस्तों 1500 का निर्स देखने को मिलता है, जो भाई ब्राइटनेस है सो बहुत ही मतलब लाजवाब है ये वर्ड भाई, इस स्मार्टफोन के साथ दोस्तों बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है। कमियां क्या है थोड़ा बात कर लेते हैं। इस स्मार्टफोन में दोस्तों एक चीज मुझे कमी लगा, जो दोस्तों इसका स्मार्टफोन का प्रोसेसर। अब बोलोगे दोस्तों क्वालकॉम का चिपसेट कैसे मतलब नेगेटिव हो सकते हैं, मैं बोलूंगा भाई साहब हाँ, क्वालकॉम एडजेंट का जो 1 सीरीज है, ठीक है, इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, जो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ। बता जा रहे दोस्तों क्वालकॉम एडजेंट 1 जो है बहुत ज्यादा गर्म होता है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर 50,000 अगर आप दे रहे हो तो अगर गर्म हो जाएगा, 1 घंटा अगर खेलोगे गेम वगैरह कोई भी खेलो इस्तेमाल कर रहे हो तो गर्म होना शुरू करेगा, तो भाई इस्तेमाल या दोस्तों लेने का क्या मतलब रह जाता है, ठीक है। मतलब स्मार्टफोन का तो फेफड़ा या दोस्तों इसका ताकत होता है, ठीक है, वो स्मार्टफोन का चिपसेट होता है, बट वहाँ पे अगर कमजोर हो जाएगा तो स्मार्टफोन पूरा ही बेकार हो जाता है, ठीक है। तो लेने का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे समय बता रहा है दोस्तों उसका जो वेपर चेंबर होता है वो थोड़ा बड़ा करके रखा है, वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, बट यहाँ पे तो डाउट रह जाता है, ये थोड़ी क्लियर नहीं हुआ। तो इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, ठीक है। एंड दोस्तों स्मार्टफोन का और एक बहुत ही हाईलाइटेड चीज, हाँ भाई साहब हर एक चीज दोस्तों हाईलाइटेड ही है, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन में हर एक चीज हाईलाइटेड लेके आया है। और ये स्मार्टफोन दोस्तों कैमरे की बात करें, रियर में लुक के साथ दोस्तों स्मार्टफोन का कैमरा कैप्चर बहुत ही बढ़िया है। रियर में आपको 3-3 कैमरा दोस्तों 50-50-50 करके लेके आया, मतलब दोस्तों रियर में आपको 150 मेगापिक्सल का टोटल कैमरा देखने को मिलता है। यानी दोस्तों मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX707 का सेंसर, जो भाई बढ़िया चीज है। एंड दोस्तों सेकेंडरी जो कैमरा वो भी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलता है। एंड थर्ड में भाई साहब 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो का लेंस के साथ दोस्तों इस कैमरा देखने को मिलता है। सो कैमरा में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है Xiaomi में इस स्मार्टफोन में, और प्राइस में भी काफी इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। क्योंकि Xiaomi हमेशा मिड रेंज में स्मार्टफोन लेके आता है, और इसीलिए उसको मतलब ज्यादा जाना जाता है भाई साहब, मिड रेंज में बहुत ही बेहतरीन स्मार्टफोन लेके आता है। बट Xiaomi ऐसे पहली बार है, अच्छा काम तो किया है, बट उसका प्राइस भी बहुत ही अच्छा लेके आया है। सो इसके बारे में आपको कह रहा है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एंड दोस्तों फ्रंट की कैमरा की बात करें, 32 मेगापिक्सल का नॉर्मल से जैसे कैमरा होता है, नॉर्मली फ्रंट में भी भाई सेल्फी बढ़िया लेके आया, बट नंबर ऑफ कैमरा भाई नॉर्मल से देखने को मिलता है, ठीक है। सो
कैमरा ओवरऑल कैमरा भाई बहुत ही अच्छा है। एंड दोस्तों स्मार्टफोन में बैटरी परफॉर्मेंस दोस्तों 4600 एमएएच का बैटरी एंड दोस्तों 120 वाट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। सो फास्ट चार्जिंग में भाई ये भी मतलब लाइन क्रॉस कर गया, बहुत ही फास्ट होगा। और दोस्तों वायरलेस में 50 वाट्स का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। सो चार्जिंग सपोर्ट एंड बैटरी सपोर्ट मैं बोलूंगा भाई लाजवाब है। कैमरा परफॉर्मेंस हर एक चीज, डिस्प्ले भाई सब कुछ सही है। अगर दोस्तों Xiaomi में यहाँ पे अगर अपना प्रोसेसर चेंज कर देता, Qualcomm Snapdragon का दोस्तों 888+ या दोस्तों 898 लेके आता, सो मुझे बहुत ही अच्छा लगता। बट यहाँ पे थोड़ा गर्म हो जाएगा, इस चिपसेट बताया जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा डर सा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों आप इस स्मार्टफोन 8GB 128GB स्टोरेज वाला आपको 60,000 के आसपास देखने को मिलता है। बट इंडिया में देखते हैं कितना प्राइस में आता है, यही बहुत बड़ी बात है। और इसमें आपको LPDDR5X का सपोर्ट, UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल दोस्तों इस स्मार्टफोन के बारे में अपना राय है दोस्तों, सब कुछ भाई सही है। और प्राइस थोड़ा अगर कम लेके आएगा इंडिया में तो भाई सही होगा। और इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट में बताना मत भूलिएगा। बस दोस्तों कंप्यूटर बस नहीं था, अच्छा लगता तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है। मिलती है ऐसे एक नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।